वेलकम बैक गाइस। देखो आप सभी लोगों को तो पता ही है भैया, इन दिनों कितने अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, लाइक अपो, वीवो, पोको, वन प्लस, आईक्यू, रेडमी, रियलमी, शाओमी वगैरह वगैरह। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं इनमें से ज्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड्स की शुरुआत हुई थी केवल दो मेन कंपनी से। जी हाँ गाइस, और इसीलिए हम इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में गाइस हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये नए नए स्मार्टफोन ब्रांड्स आए। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस देखो, बात शुरू होती है 1998 से, जहां पे गाइस चाइना में एस्टेब्लिश हुआ था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। और गाइस इसका प्राइमरी या कह लीजिए अब जो मेन फोकस था वो था ऑडियो प्रोडक्ट्स पर, यानी कि गाइस ये उस जमाने के सीडी प्लेयर हो गए, डीवीडी प्लेयर हो गए, एमपी3 प्लेयर हो गए वगैरह वगैरह, इन सबको बनाता था। लेकिन गाइस मोड़ आया 2004 में, जहां पे गाइस ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने गाइस अपना एक सब ब्रांड बनाया जो कि गाइस था अपो। जी हां गाइस, आप जो इन दिनों अपो देखते हैं वो गाइस उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में, जहां पे गाइस क्या है अपो क्योंकि एक सब ब्रांड था इसीलिए गाइस उसका भी प्राइमरी फोकस ऑडियो प्रोडक्ट्स पर ही था। लेकिन गाइस उसने फिर अपना धीरे धीरे करके फोकस शिफ्ट किया स्मार्टफोन मार्केट की ओर। अच्छा, इसके बाद गाइस धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ा और गाइस आया साल 2009। वैसे गाइस हम आपको बताएं तो 2007 में ऑलरेडी आईफोन आ चुका था, 2008 में गाइस कुछ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स भी मार्केट में आ चुके थे। लेकिन गाइस 2009 में क्या हुआ कि जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है इसने गाइस अपना एक और नया सब ब्रांड बनाया जिसका गाइस उसने नाम रखा वीवो। जी हां गाइस, आप इन दिनों जो वीवो के स्मार्टफोन्स देखते हैं तो गाइस वो जो ब्रांड है उसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में ही हो गया था। जहाँ पे गाइस हम बात करें तो वीवो का वैसे स्लाइटली डिफरेंट फोकस था और गाइस वीवो का प्राइमरी फोकस म्यूजिक प्रोडक्ट्स पर था, साथ ही में गाइस वो सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सर्विसेज को भी गाइस प्रोवाइड करता था। लेकिन गाइस उसका फोकस चेंज हुआ अराउंड 2017, जहाँ पे गाइस उसका प्राइमरी फोकस हो गया स्मार्टफोन मार्केट की ओर। और गाइस इसीलिए हम और थोड़ी डिटेल में बात करें तो गाइस वीवो का प्राइमरी फोकस आपको एक स्मार्टफोन में हाई क्वालिटी कैमरा देना, साथ ही में गाइस आपको स्मार्टफोन में एक अच्छी साउंड क्वालिटी देना रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इसके बाद गाइस साल आया 2013, जहां पे गाइस क्या हुआ कि अपो कंपनी के कुछ लोगों ने सोचा होगा मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए भैया फिर उन्होंने अपो कंपनी का भी एक सब ब्रांड बना डाला जिसका गाइस उन्होंने नाम रखा वन प्लस। जी हाँ गाइस, तो आप जो वन प्लस के स्मार्टफोन्स देखते हैं तो गाइस जो वन प्लस ब्रांड है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। और गाइस जहां पे अगर हम बात करें तो वन प्लस का गाइस हमेशा से ही फोकस रहा है कि वो आपको एक हाई इंड स्पेक्स वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करे कंपटीटिव प्राइस पर, और इसीलिए गाइस वन प्लस के स्मार्टफोन बन जाते हैं सही में फ्लैगशिप किलर, समझ रहे हो। और गाइस फिर धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ा और साल आया 2018, जहां पे गाइस क्या हुआ कि अपो कंपनी ने एक और अपना नया सब ब्रांड बना डाला। जी हाँ गाइस, एक उसने सब ब्रांड ऑलरेडी बनाया था वन प्लस और एक नया बनाया जिसका नाम रखा उसने रियलमी। जी हाँ गाइस, अब ये जो रियलमी ब्रांड था ये गाइस स्पेशली इंडिया के लिए टारगेटेड था। यहाँ पे गाइस आपको बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन अलॉन्ग विद गाइस पावरफुल स्पेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए गाइस रियलमी ने तो समझ लो रिकॉर्ड तोड़ सेल की अपने स्मार्टफोनों की इंडिया में। और साथ ही में भैया रियलमी ने अपना एक रिकॉर्ड होल्ड करके रखा है कि उसने सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन्स बेचे हैं इंडिया में। फिर गाइस अभी रिसेंटली ही 2020 में क्या हुआ कि जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन का एक दूसरा सब ब्रांड था वीवो, उसने भी सोचा हुआ कि क्यों हम पीछे रह जाएं, इसीलिए फिर उसने भी अपना एक सब ब्रांड बना डाला और उसने उसका नाम रखा आईक्यू। अब देखो आईक्यू यानी कि आईक्यू के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनका गाइस मेन फोकस होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि गाइस वहां पे आप गेमिंग प्लस गाइस जो परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क होते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह वो गाइस सब आप स्मूथली कर पाएंगे। तो गाइस ये है अपो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और आईक्यू की कहानी। वैसे गाइस अभी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि गाइस अभी रह गए हैं पोको, रेडमी और शाओमी। लेकिन एक चीज जरूर खत्म हो गई है, वो गाइस ये है कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जो था उसका गाइस एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। वो गाइस अभी से नहीं, वो 2021 से खत्म हो चुका है, जहां पे गाइस उस कंपनी को करवा दिया गया था डी रजिस्टर। इसीलिए भैया फिर जो उसके सब ब्रांड थे यानी कि जो अपो और वीवो थे उनका गाइस फिर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो गया, यानी कि वो समझ लीजिए आप इंडिविजुअल दोनों अलग अलग कंपनीज हो गई। तो गाइस अब अगर हम बात करें रेडमी, शाओमी और पोको की,
तो देखो Xiaomi की स्टार्टिंग हुई थी 2010 में जी हां गाइस, और उसने 2011 में सबसे पहला अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसका गाइस नाम था Xiaomi Mi 1। और उसके बाद भैया क्या हुआ कि अराउंड 2013 के वहां पे गाइस Xiaomi ने BB के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही अपना एक सब ब्रांड बनाया जिसका गाइस उसने नाम रखा Redmi। जी हां गाइस, और उसने इस ब्रांड को स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए टारगेट किया क्योंकि गाइस ये जो है Redmi के स्मार्टफोन्स आपको काफी ज्यादा कम बजट में मिल जाएंगे पहली तो बात, और दूसरी बात गाइस कुछ स्मार्टफोनों में वहां पे वैल्यू फॉर मनी भी है, इसीलिए गाइस रैपिड ग्रोथ Redmi ब्रांड को मिली स्पेशली इंडिया में। अच्छा, और गाइज इसके बाद 2018 के अराउंड क्या हुआ कि Xiaomi के अंदर के कुछ लोगों ने मिलकर के गाइज Xiaomi का एक और नया सब ब्रांड ओपन किया जिसका उन्होंने नाम रखा Poco। जी हाँ गाइज, अब देखो Poco में क्या है कि देखो सबसे पहली बात तो है कि 2018 में ही उसने सबसे पहला अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया था Poco F1। लेकिन गाइज हम आपको बताएं तो देखो Poco ना तो कोई स्मार्टफोनों की मैन्युफैक्चरिंग करता है ना गाइज उसकी कोई असेंबली करता है, वो गाइज केवल एक काम करता है, वो है स्मार्टफोनों की रीब्रांडिंग। जी हाँ गाइज, जो Redmi स्मार्टफोन्स होते हैं उनपे गाइज Poco अपना बिल्ला चिपका के और यूजर्स को बेचता है। अच्छा इसके अलावा गाइज वो और कुछ भी नहीं काम करता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जो Poco F5 Pro है और गाइज जो Redmi K60 है उन दोनों के स्पेक्स A to Z मिलते हैं, और इवन गाइज अगर हम बात करें तो सारी चीजें मिलती हैं, इसीलिए गाइज बस केवल रीब्रांडिंग है, उसके अलावा गाइज Poco और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइज ये है Redmi, Poco और Xiaomi की कहानी, और हमने आपको शुरुआत में बताई थी आपको Vivo, OnePlus, IQ और Realme की कहानी। इसके अलावा भी गाइज काफी और भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक Moto है, Samsung है, Apple है, Google है, लेकिन गाइज वो तो आप जानते हैं कि अलग अलग कंपनीज हैं, और गाइज इसीलिए वैसे पार्ट वगैरह की जैसे शेयरिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है अपने आईफोन्स के लिए OLED स्क्रीन Samsung से लेता है, लेकिन गाइज वहां पे कोई सब ब्रांड वाला चक्कर नहीं है। जी हाँ गाइज, और इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ नई बात पता चली हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि गाइज हम ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही में गाइज आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं और भी टाइप के वीडियोस के लिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।